सुहाग रात में दुल्हन की दुख भरी कहानी। 17 वर्षीय नेहा 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। नेहा से छोटे 2 भाई बहन थे। नेहा की माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। नेहा के पिता शराबी थे। वे हमेशा शराब पीकर घर आते थे। हमारी माँ को हमेशा मारते रहते थे। नेहा के लिए यह मंजर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। नेहा की माँ जो भी पैसा कमाकर लाती थी, उसके पापा शराब पीने के लिए वह पैसे छीन लेते थे। पैसों की तंगी की वजह से अब नेहा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे उनको खाने की तंगी होने लगी। नेहा अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। नेहा ने फैसला किया कि अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए वह भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घर में काम करने जाएगी। नेहा को जिस घर में काम मिला, वहाँ 65 साल का संदीप नाम का युवक रहता था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। नेहा जब पहले दिन संदीप के घर काम करने गई, तो नेहा की खूबसूरती देखकर संदीप मोहित हो गया। नेहा जब भी काम करती थी, तो संदीप की नज़र नेहा से हटती ही नहीं थी। संदीप के इस तरीके से देखने से नेहा को असुविधा होने लगी। संदीप के मन में नेहा को हासिल करने की ललक पैदा हो गई। एक दिन नेहा किचन में जब खाना बना रही थी, तभी अचानक संदीप पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। संदीप को ऐसा करते देख नेहा घबरा गई और उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन संदीप उसके शरीर को अजब तरीके से छूने लगा। नेहा कैसे भी करके वहां से भाग गई और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद नेहा परेशान होकर अकेली बैठ गई। वह यह सब बात बताती भी तो किसे बताती। घर में अपने छोटे भाई बहन को देखकर नेहा का दिल पसीज गया। उसने फैसला किया कि अब वह किसी दूसरे के घर में काम करने जाएगी। दूसरे दिन नेहा किसी दूसरे के घर में काम करने गई। जब नेहा काम करके घर वापस आई, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। जब नेहा घर के अंदर गई, तो उसने देखा कि संदीप उसके घर में बैठा हुआ था। नेहा की माँ संदीप के लिए चाय बना रही थी। नेहा की माँ ने संदीप से कहा, देखो नेहा भी आ गई। नेहा की माँ नेहा से कहती हैं कि सुन नेहा, जल्दी साड़ी पहनकर संदीप बाबू को चाय दे आओ। नेहा ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, आप मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रही हैं और यह इंसान हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नफरत है इससे। नेहा की माँ गुस्से में नेहा से कहती, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, चुपचाप मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर, और हाँ संदीप जी से तमीज से बात करना, वह तुम्हारे होने वाले पति हैं। नेहा ने अपनी माँ से कहा, आप क्या कह रही हैं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी शादी वह भी इस इंसान से, मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना था। यह बहुत ही बुरा आदमी है। जब मैं उसके घर में काम कर रही थी, तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसलिए मैंने इसके घर में काम करना छोड़ दिया। नेहा की माँ गुस्से से नेहा से कहने लगी, अरे वो तेरा होने वाला पति है, उसका पूरा अधिकार है तुझ पे, तुझे छुए या कुछ भी करे। देख नेहा, तुम मेरी बात मान जा, संदीप बाबू तेरी शादी के बदले में तेरे भाई बहनों को पढ़ाने का खर्चा उठाने वाले हैं, ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। साथ ही तेरी शादी में हमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जब से तेरे बाप से हमारी शादी हुई है, तब से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत ही मुश्किल से पाला है। अब जब
तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो तू कदम पीछे कर रही है। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसा मत कहिए, लेकिन आप एक बार उसकी उम्र तो देखिए, वह मेरे बाप की उम्र का है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। नेहा की माँ ने कहा, अगर किसी जवान से शादी करेगी तो जिंदगी भर जवान ही नहीं रहने वाला, कभी ना कभी बूढ़ा तो होगा ही, इससे अच्छा तो बूढ़े से शादी कर लो। और अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो मैं जहर लेकर आ रही हूँ, पिला देना अपने दोनों भाई बहनों को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हमसे इस गरीबी में जीने की अब हिम्मत नहीं रही। नेहा ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत कहो माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने अपने भाई बहन के भविष्य के लिए आगे घुटने टेक दिए और अधेड़ उम्र के संदीप से शादी कर ली। शादी की पहली रात फूलों से सजी सेज पर सहमी सी नेहा घूंघट डालकर बैठी हुई थी, वहीं कमरे का दरवाजा खुलता है और संदीप सुहागरात मनाने की उत्सुकता में दरवाजा बंद करके नेहा के पास आता है। संदीप ने नेहा का घूंघट उठाया और नेहा की धड़कने तेज होने लगी। संदीप भूखे शेर की तरह नेहा पर झपट्टा मारने की फिराक में था। जैसे ही नेहा को संदीप ने छूने की कोशिश की तो नेहा ने मना करते हुए कहा कि देखिए, मैंने मेरी माँ के कहने पर आपसे शादी की है और यह सब करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। संदीप ने नेहा से कहा, मैं तुझे पागल लगता हूँ, कितनी मुश्किल से तुमसे शादी की है और तेरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, और वैसे भी अगर तुझे पता नहीं है तो मैं तुझे बता दूं कि तेरी माँ ने तुझे बेच दिया है, तो अब ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप प्यार से मान जा, क्योंकि तेरे मना करने पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अगर मैं जबरदस्ती पर उतर आया तो जानवर से भी बदतर सलूक करूंगा, और तुझे तेरे भाई बहनों को पढ़ाना है कि नहीं। नेहा अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर मान जाती है। संदीप हैवानियत की हद पार करते हुए नेहा की आंसुओं की धारा बहने लगती है। संदीप बड़ी बेरहमी से नेहा के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है और नेहा के शरीर को नोचने लगा। नेहा दर्द से कहरा उठी, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके दर्द का संदीप पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। नेहा यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। अगली सुबह नेहा का शरीर सूज गया था और दर्द के कारण वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने घर का काम खत्म किया। संदीप के ऑफिस जाने के लिए नेहा ने टिफिन तैयार किया। संदीप के जाने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन चुके थे। नेहा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाम को संदीप घर वापस आए। घड़ी को देखते देखते नेहा को नींद आ गई। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा नींद से जाग गई और दरवाजा खोलने गई। दरवाजे के बाहर संदीप को देखकर नेहा घबरा गई। रात के 10 बज चुके थे और यह संदीप के घर आने का समय था। नेहा ने खाना नहीं बनाया था और ना ही सुबह से खुद खाना खाया था। नेहा ने संदीप को बताया कि उसने खाना नहीं बनाया है। संदीप ने बोला कि मैं खाना बाहर खाकर आया हूँ, अब मुझे तुझे खाना है, चल कमरे में। संदीप फिर से नेहा के साथ। नेहा ने संदीप को रोकते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं, सुहागरात तो एक बार होती है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। संदीप ने हंसते हुए बोला कि तू बहुत भोली है, रोज सुहागरात के लिए मैंने तुमसे शादी की है। इतना कहकर संदीप नेहा की उन घावों को फिर से कुतरने लगा जो अभी तक भरे नहीं थे। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। नेहा भगवान से प्रार्थना करती कि उसे इस नरक से मुक्ति दिलाए। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त कार एक्सीडेंट में संदीप की मौत हो गई और कानूनी तौर पर संदीप की सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम हो गई। नेहा को संदीप जैसे राक्षस से छुटकारा मिल गया और उसकी तपस्या सफल हुई और अपनी माँ और भाई बहनों को भी अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया
और अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा मिली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।